देखिए मैं तो 2 साल से एनआईडी के जन्मदिन पर 2019 में हमने कहा था कि भाई अगले साल मुख्यमंत्री बन हम साथ हैं, लेकिन हमारे जो पीछे लोग हैं जो चुनाव जीतने की हैसियत में है उनको टिकट दें, हम लोगों का सम्मान रखें, तो अगर गठबंधन करना चाहें गठबंधन कर लें, गठबंधन अगर कहीं भी कहीं कोई दिक्कत तुम्हारे सामने आ रही हो तो पहले भी कम करने को तैयार, लेकिन हमारे साथ जो पीछे हैं लोग तो उनको सम्मान पहले करना चाहिए फिर हमें भी दे देना। मैंने तो यहाँ तक कि कह दिया था अगर मेरे से टिकट काटना चाहो मुझे न लड़ाना चाहो हमारे में अगर कहीं पर भी तुमको कुछ संदेह हो तो मैं अपना और काम देख लेंगे और कहीं दूसरी जगह भेज देना मुझे हम पार्टी का काम का। मैं इसलिए कहा था कि मैंने 40-45 साल नेताजी के साथ समाजवादी पार्टी में काम करा है, प्रमुख सचिव भी रहे अध्यक्ष भी रहे पार्टी के अध्यक्ष भी रहे, अगर हमसे कुछ तुमको दिख रहा हो खतरा दिख रहा तो दूसरे प्रदेश में हमें भेज देना पार्टी का काम करेंगे, और भी अगर है तो हमारे साथ खेती बाड़ी का भी काम है और भी काम है, सब कुछ त्याग करने के लिए तैयार हैं। कितनी सीटों को लेके मेरी भी सूची है जो देखिए नेताजी के साथ हमने काम किया है तो थोड़ा बहुत कितनी सीटों को आपकी पार्टी जीतने का दावा कर रही है अच्छा थोड़ा बहुत अगर हमारा हक समझते हो नेताजी के साथ या तो नेताजी की बात मान लो या हमारे लोग हैं समाजवादी पार्टी के सीनियर लोग हैं अगर वो बात कहें वो बात मान लो लेकिन मैं इतना आपको बताए देना चाहता हूँ मैंने ये भी कहा है कि अगर मतलब कोई बात आती है तो हम छोटे छोटे दलों के साथ साथ एक राष्ट्रीय पार्टी से भी अगर नहीं कुछ हो पाता है वैसे हम पूरी देखिए मैंने कहा त्याग मैंने तो हमेशा त्याग और संघर्ष पर भरोसा किया है, हर जीत का हम त्याग कर सकते हैं हर जीत की हम कुर्बानी कर सकते हैं भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए। प्रियंका लगातार यूपी के दौरे पे हैं, कहीं ना कहीं कांग्रेस का जो ग्राफ था वो बीजेपी और कांग्रेस ही दो बड़ी पार्टियां हैं, क्या बीजेपी के खिलाफ आप कांग्रेस से भी समझौता कर सकते हैं? देखिए बीजेपी के तो खिलाफ हम बोल ही रहे हैं, आप जिस सब बातें बोल रही हैं मैंने कहा कि सभी समान विचारधारा और मैंने सेकुलर भी कहा और सेकुलर के साथ साथ मैंने ये भी कहा कि गांधीवादी लोग गांधीवादी के साथ साथ लोहियावादी लोग और लोहियावादी के साथ साथ चरण सिंहवादी लोग और हमने तो देखिए लोहिया जी के बाद छोटे लोहिया के रूप में जाने पहचाने उनका मैंने बहुत आशीर्वाद उन्होंने मुझे दिया है। सामाजिक परिवर्तन यात्रा का उद्देश्य क्या है? जनेश्वर मिश्रा जी अब नहीं है अभी हमारे बीच में तो अब हम तो लोहिया जी के सिद्धांतों पर चलने वाले हैं उन्हीं के आदर्श क्या कांग्रेस से आप समझौता कर सकते हैं? जनेश्वर मिश्रा जी के अभी तो हमारी कोई बात नहीं हुई है तो जो मैंने कहा है कि गांधीवादी सेकुलर समान विचारधारा के लोगों से हम समझौता तब करेंगे जब समाजवादी से नहीं हो। जिन्ना का मामला चल रहा है पार्टी को किस मुकाम पर पहुंचाया था बुलंदियों पर पहुंचाया था लेकिन अपमान जरूर हुआ है तब भी हम कहते हैं कि भाई भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए प्रियंका वाड्रा।